alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Pushtra. So, we were discussing Land Acquisition Act 1894 and in this video I am going to discuss section 16 and section 17 of the SAID Act. But before starting the discussion i request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback so let's move towards the discussion section 16 and section 17 of land acquisition act deals with the topic of taking of possession Ke अब सेक्शन 16 और 17 को डिस्कस करने से पहले अभी तक का रिकेप क्या है हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने अपना किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है कौन सा प्रोजेक्ट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है जिसमें पब्लिक एट लार्ज को फायदा होना है गवर्नमेंट को उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदारी प्रोजेक्ट के लिए कोई मोजू जगह देखे जैसे ही कलेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से ये डायरेक्शन मिलेंगी वो उस जगह की तलाश में लग जाएगा जैसे ही उसको जगह मिल जाएगी वो उस जगह की इंक्वायरी करेगा इंक्वायरी करने के बाद फिर उसने जगह कर ली सेलेक्ट करने के बाद अब वो इस जगह से रिलेटेड एक नोटिस जारी करेगा लोगों को यह बताने के लिए कि ज़मीन को अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए चाहिए लिहाजा अब इस जमीन के ऊपर कोई भी बंदा किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता और अगर किसी बंदे को इस जमीन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी इन ऑब्जेक्शन को रेस कर सकता है ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद फिर ये कलेक्टर लोगों के इन इश्यूज को रिजौर्फ करेगा, रिजौर्फ करने के बाद वो एक अवार्ड जारी करेगा उसके बाद आ जाते हैं जमीन के कब्जे की तरफ कि अब जमीन का कब्जा किस तरह से लिया जाएगा सो आ जाते हैं हम सेक्शन 16 के ऊपर सेक्शन 16 किसके साथ डील करता है पावर टू टेक थी पोजेशन कब्जा लेने का इक्शन स्टेट कलेक्टर हैज मेड एन अवॉर्ड अंडर सेक्शन अलेवन ही में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन थर्टी वन टेक द पोजेशन ऑफ द लैंड विच शेल डेयर अपॉन वेस्ट एब्सोलूटली इन दी गवेंट फ्री फ्रॉम ऑल द इनक्रेंसे कि जब भी कलेक्टर ने सेक्शन 11 के अंडर कोई अवार्ड जारी किया जो अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले ऑब्जेक्शन रेज हुई लोगों की ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करने के बाद उस जमीन से रिलेटेड एक अवार्ड जारी कर दिया अब उस अवार्ड में उसने क्या के बताया जमीन के जो रकबा था उसका दुरुस्त तयन कर दिया उसकी मेजरमेंट से रिलेटेड इसके अलावा जो उस जमीन की कंपनसेशन से मुतालिक जो ऑब्जेक्शन थी उन कंपनसेशन को उसने उसका डिटर्मिन कर लिया और उसके बाद जितने भी लोगों का जो के थे इस जमीन के लिए जिनका इस जमीन के ऊपर किसी भी तरह का कोई राइट था उन्होंने अपनी ये रुकावट तो नहीं है तो ऐसी सूरत में जब ये फ्री फ्रॉम ऑल दी ये कलेक्टर सेक्शन सिक्स के अंडर इस जमीन का कब्जा हासिल कर सकता है यानी कि अब ये लैंड टोटली गवर्नमेंट

तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या तरीका कार इख्तियार किया जाएगा सो so सेक्शन 17 की अगर हम क्लॉज वन को देखें तो क्लॉज वन कहती है इन केस ऑफ अर्जेंसी व्हेन एवर द कमिश्नर सो डायरेक्ट्स द कलेक्टर दो नो सच अवार्ड हैज बीन मेड मे ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 15 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ नोटिस मैंशन इन दब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन नाइन टेक दोजेशन ऑफ एनी लैंड नीडेड फॉर दी पब्लिक और फॉर अ कंपनी सच लैंड शेल देयर अपॉन वेस्ट एब्सोल्यूटली इन गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल दी दिन ये सेक्शन कहता है कि अगर कभी गवर्नमेंट को कोई लैंड किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर चाहिए तो उस जमीन को एक्वायर करने का क्या तरीका कार होगा सो so, इसकी सब सेक्शन वन कहती है कि जब कभी किसी गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है और उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए उसे किसी जमीन की अशद जरूरत है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर उन्हें वो जमीन चाहिए कि उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है पब्लिक एट लार्ज को इससे फायदा होने वाला है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है इस जमीन के लिए बाकायदा नोटिस जारी करने की या जो भी तरीका सेक्शन वन से लेकर सेक्शन सिक्सटीन तक तो ऐसी सूरत में वो गवर्नमेंट उस इलाके के कमिश्नर को डायरेक्शन देगी कि वो कमिश्नर फर्दर डायरेक्शन दे फर्दर हुक्म दे उस इलाके के कलेक्टर को कि वो इस जमीन से रिलेटेड एक नोटिस जारी करे और वो नोट नोटिस जो कलेक्टर जारी करेगा वो इन दी फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट होना चाहिए यानी कि वो इश्तेहार की सूरत में ये नोटिस जारी करे उन तमाम इलाके के रहने वाले लोगों को कौन सा नोटिस वो नोटिस जो सेक्शन नाइन की सब क्लास वन में हमने डिस्कस किया उस सेक्शन नाइन सब क्लास वन के अंडर उन लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा और इन तमाम लोगों को कम से कम पंद्रह दिन का टाइम पीरियड देगा और साथ ही साथ उन लोगों के नोटिस में ये बात लाएगा कि फ़लां जमीन गवर्नमेंट को इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर चाहिए गवर्नमेंट के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है उनके पास टाइम भी बहुत कम है लिहाजा वो पंद्रह दिन का एक नोटिस जारी करेगा और साथ ही साथ जो जमीन का रकबा है यानी कि जितनी जमीन गवर्नमेंट को चाहिए अपने उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए उस जमीन को फिर वो एक्वायर कर लेगा उस जमीन के ऊपर कब्जा कर लेगा अब जैसे ही मजीद इस सेक्शन में ये क्लॉज में कहा गया है कि जैसे ही वो लैंड एक्वायर कर ली गई यानी कि जैसे ही गवर्नमेंट ने उस पर कब्जा कर लिया कलेक्टर के थ्रू उस पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद इस जमीन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी अगर क्लेम है फॉर एग्जांपल अगर वो जमीन किसी के पास मोडगेज पर थी या किसी भी तरह का कोई और उसके ऊपर कोई क्लेम आ रहा है या वो किसी टेनेंट का राइट क्रिएट हो रहा है तो जैसे ही गवर्नमेंट ने ये जमीन एक्वायर कर ली उसके बाद इसके ऊपर जितने भी क्लेम है वो सारे खत्म हो जाएंगे यानी कि जैसे ही गवर्नमेंट ने ये जमीन एक्वायर कर ली इसके ऊपर कब्जा कर लिया सेक्शन नाइन देकर उसके बाद इस जमीन के ऊपर जितनी भी तरह के कोई भी हैं इस जमीन के ऊपर जितनी भी तरह के कोई भी बार लगे हुए हैं उन तमाम बार से उन तमाम से उन तमाम रिकावटों से ये जमीन पाक हो जाएगी उसके बाद फिर इसी के साथ एक प्रोवाइजो अटैच की गई है और वो प्रोवाइजो क्या कहती है Provided that commissioner shall not issue any direction to the collector under this subsection unless the department of the government, the local authority or company is the case may be for which the land is being acquired has first deposited the estimate cost of acquisition of such land is determined by the collector of the district. अब इसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 17 की सब वन के अंडर जो नोटिस की बात की गई है जो जमीन के कब्जे की बात की गई है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इसमें कहा गया है कि कमिश्नर उस वक्त तक कलेक्टर को डायरेक्शंस नहीं देगा कि वो इस जमीन से मुतालिक नोटिस जारी करे कि गवर्नमेंट ने इस लैंड को एक्वायर करना है अंटिल एंड अनलेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने उस लैंड से मुतालिक जितनी भी कंपनसेशन बनती है उस लैंड का जितना भी मुआवजा बनता है वो मुआवजा उस कमिश्नर को अदा नहीं कर दिया यानी कि जब तक कमिश्नर को इस जमीन से मुतालिक मुआवजा नहीं मिलेगा कि उसको मालिकों को फला कंपनसेशन देनी है तो तब तक ये कमिश्नर फर्दर डायरेक्शंस नहीं देगा कलेक्टर को कि वो वो इससे नोटिस जारी करे उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन की क्लॉज 2 के ऊपर क्लॉज क्या कहती है? चेंज इन दी चैनल ऑफ एनी नेमरजेंसी इट बिकेम नेसेसरी फॉर एनी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्वायर द इमीडिएट पोजेशन ऑफ एनी लैंड For the maintenance of their traffic, or for the purpose of making there on a river side or of providing convenient connection with or access to any such station, or wherever owing to similar emergency it became necessary for the commissioner to acquire the immediate possession of any land for the purposes of the maintaining the traffic over a public road, the collector may immediately after the publication of the notice enter upon and take the possession of such land. अब इस क्लॉज टू के अंदर बताया गया कि इमरजेंसी की सिचुएशन क्या क्या हो सकती है सो सेक्शन की की कहती है है कि कि अगर किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलाके में कोई सड़क है जो फ्लड नजर हो गई है या फिर किसी दरिया ने उस सड़क की तरफ रुख कर लिया है और उसके ऊपर बहुत सारा पानी जमा हो गया है या अगर कहीं पर कोई रेलवे लाइन है और वो रेलवे लाइन फ्लड की नजर हो गई है या उस पर भी किसी दरिया का पानी ने अपना रुख कर लिया है जिसकी वजह से उस... उसका सारा रूट खराब हो रहा है या अगर वही कोई करीब गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है जो कि इस फ्लड की वजह से उसके अंदर काम में रिकावट पैदा हो रही है तो इस डिपार्टमेंट को कहीं और शिफ्ट करना है या फिर इस फ्लड की वजह से या इस दरिया के पानी का सड़क की तरफ और रेलवे लाइन की तरफ रोक करने से अगर इस रेलवे लाइन और ट्रांसपोर्ट के कामों में किसी भी तरह की कोई रिकावट आ रही है या फिर ऐसा कोई भी अनसीन इंसिडेंट है जिसकी वजह से ऐसा कोई वाकया पेश आ रहा है जिससे इस रेलवे लाइन के काम में और इस ट्रांसपोर्ट के काम में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट आ रही है या किसी लैंड स्लाइडिंग सड़क गिर गई है या कोई भी ऐसा वाक्या पेश हो हो जाता है है जिससे इन तमाम कामों में रुकावट पैदा हो रही है वो तमाम काम जो कि पब्लिक इंटरेस्ट जिसके अंदर इन्वॉल्व है जिससे पब्लिक एट लार्ज को किसी भी तरह का को कोई नुकसान हो रहा है तो फिर उस इलाके का कमिश्नर डायरेक्शंस देगा वहां के कलेक्टर को और उस कलेक्टर को कहेगा कि इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 का नोटिस जारी करे और फिर यही कलेक्टर गवर्नमेंट की इजाजत से सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 का नोटिस जारी करेगा और उस नोटिस में जितने भी अरसे का टाइम पीरियड देना है चाहे वो फिफ्टीन डेज का है या फोर्टी एट आवर्स सेवेंटी आवर्स वो उस अकॉर्डिंग जो है वो उस जमीन से मुतालिक नोटिस जारी करेगा और फिर गवर्नमेंट इस जमीन को एक्वायर कर लेगी और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अगर उस जमीन के ऊपर किसी तरह की कोई रेल लाइन बनानी है या किसी तरह की कोई सड़क तामीर करनी है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है तो फिर गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करने के बाद जमीन पर कब्जा करने के बाद अपने इस प्रोजेक्ट को एक्म्पलिश कर देगी इसी के साथ एक प्रोवाइजो अटैच की गई है कलेक्टर शेल नॉट टेक दोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अंडर दिस सबसे Without giving the notice to the occupier at least 48 hours notice of his intention so to do or such longer notice as may reasonably be sufficient to enable such occupier to remove his movable property from such building without unnecessary inconvenience। अब इस प्रोवाइज़ो के अंदर ये कहा गया है कि कलेक्टर उस वक्त तक उस ज़मीन का कब्ज़ा हासिल नहीं करेगा जब तक कि वो उस ज़मीन से मुतालिक 48 आवर्स का नोटिस उस बंदे को ना दे दे जो कि उस ज़मीन ऑकुपायर है सब क्लॉज थ्री क्या कहती है इन एवरी केस अंडर ऑफ द टाइम ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड कंपनसेशन फॉर द स्टैंडिंग क्रॉप एंड ट्रीज इफ एनी ऑन सच लैंड एंड फॉर एनी डेमेज सस्टेन सडन देशन एंड नॉट एक्सेप्टेड इन सेक्शन ट्वेंटी अब इसमें कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट को इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर किसी जमीन की जरूरत है तो सबसे पहले कलेक्टर जो है उस जमीन उस जमीन जमीन की कंपनसेशन कंपनसेशन तयन करेगा करेगा उसको कौन सी अगर किसी भी तरह की कोई खड़ी फसल है कोई दरख्त वगैरह है या उस जमीन को एक्वायर करने में उस बंदे का किसी भी तरह का को कोई भी नुकसान हो रहा है उस जमीन के ऊपर कोई डैमेज हो रहा है तो उस बंदे को इस फसल के नुकसान से मुतालिक या किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हुआ है गवर्नमेंट क्या करेगी इसकी कंपनसेशन जो है वो कलेक्टर को देगी कलेक्टर फर्दर उस जमीन के जो इंटाइटल है बंदा उसको देगा और अगर इस कंपनसेशन के ऊपर उस जमीन के ऑक्यूपायर को किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन है कि मैंने ये कंपनसेशन रिसीव नहीं करनी ये काफी नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर अगर ये बंदा अपना केस कोर्ट में ले जाता है तो कोर्ट फर्दर, फर्दर इसके केस को डिसाइड करेगी उसके बाद आ जाते हैं सब क्लॉज फोर के ऊपर क्लॉज फोर क्या कहती है इन केसेज वेयर इन दिनियन ऑफ द कमिश्नर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन वन और सब सेक्शन टू आर एप्लीकेबल द कमिश्नर में डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन फाइव एंड फाइव ए शेल नॉट अप्लाई एंड इफ ही डज सो डायरेक्ट अ डिक्लेशन में बी मेड अंडर सेक्शन सिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड एट एनी टाइम आफ्टर दबन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन वन एंड सबसेक्शन फोर ये क्लॉज कहती है कि अगर कमिश्नर को ये लगता है है कि अगर कहीं पर गवर्नमेंट को इमरजेंसी के अंदर कोई लैंड एक्वायर करनी है अपने किसी प्रोजेक्ट को अकमप्लिश करने के लिए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है तो ऐसी सूरत में फिर सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 का नोटिस जारी किया जाता है और जो अभी तक हमने पढ़ा कि जो सेक्शन 6 का नोटिस है यानी कि जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है या जो सेक्शन 5 है या 5 ए है ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर उस नोटिस को या उस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को या उन सेक्शन के अंडर जो नोटिस इशू किया जाता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है और सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नाइन सब क्लॉज वन का नोटिस जारी किया जाता है कलेक्टर की तरफ से कलेक्टर के उसके बाद नोटिस जारी करने के बाद लोगों को कुछ अर्से का टाइम दिया जाता है और फिर उसके बाद गवर्नमेंट इमरजेंसी सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए उस जमीन को एक्वायर कर लेती है और अपना जो भी प्रोजेक्ट उसने स्टेब्लिश करना है उस प्रोजेक्ट को फिर कंप्लीट कर लेती है सो so, ये थी हमारे हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 16 और सेक्शन 17 के ऊपर सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन अल्लाह हाफेज